आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 573वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चूंकि विधानसभा चुनाव दिसंबर या नवंबर अंत में या दिसंबर के मध्य तक हो सकते हैं, इसलिए अब पिछले 4-5 एपिसोड से हम सिवनी ज़िले की सियासत किस तरह की है, सिवनी ज़िले में किस तरह का माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर, राज्य शासन की क्या स्थिति है, इस बारे में हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। हम आपको चारों विधानसभाओं के बारे में आज़ादी से लेकर अब तक का इतिहास बताया है कि कौन कब कहाँ विजय हुआ। कांग्रेस की नेत्री से हमने बात करी। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, आप अपेक्स के प्रतिनिधि भी रहे हैं, अवेश सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सिवनी विधानसभा पिछले 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इसके अलावा 20 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपकी आने वाले चुनावों को लेकर किस तरीके की रणनीति होगी और प्रत्याशी चयन में चारों विधानसभाओं में किस तरह के चीजों को आपके द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी पार्टी के द्वारा? खरे साहब, आप जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब से सरकार बनी है और उसके पहले हमारे विधायक रहे हैं, उनने क्या क्या किया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय हमारे विधायक थे, उनने भी लगातार प्रयास किया कि हमारे ज़िले का विकास होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी विधायक रहे उनने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन जब से मध्य प्रदेश सरकार आई है तब से लगातार जो सरकार ने काम किए हैं वो जनहित से काम किए। उन्होंने हर क्षेत्र, हर वर्ग को प्राथमिकता दिया है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार का जो काम है उनने किसानों की तरफ अपना रुख किया, किसानों को 0% में ब्याज दिलवाया, किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड बनवाया, उनको कई तरह से लाभ दिलवाया, उनकी उपज का मूल्य ठीक ढंग से उनको मिल सके इस तरह से मूल्य निर्धारित करवाया गया। यानी किसानों की तरफ फोकस करके ये चाहा कि उस वर्ग को लाभ मिले, और आज हम देख रहे हैं कि उस वर्ग, किसान जो वर्ग है, पिछले 20 साल की जो स्थिति उससे आज बहुत कहीं बेहतर है, उनकी इनकम बढ़ी है, उनका स्टैंडिंग। प्रश्न हमारा सिवनी ज़िले को लेकर था, प्रदेश स्तर पर ये सारी चीज़ें हुई होंगी, सिवनी में अगर हम देखें तो सिवनी में खाद की किल्लत, कोई ऐसा साल नहीं होगा, कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, खाद की किल्लत सदा बनी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये फेलुअर संबंधित विभाग के अधिकारियों का है। पहले ये कहा जाता था कि छिंदवाड़ा रैक पॉइंट है, बालाघाट रैक पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर खाद नहीं आ पाती। सिवनी में रेलवे का रैक पॉइंट बना हुआ है, केवलारी में रैक पॉइंट बना हुआ है, इसके बाद खाद की किल्लत या कालाबाजारी। रैक पॉइंट शुरू नहीं हुआ अभी, रैक पॉइंट आरंभ नहीं हुआ है ये आप कह सकते हैं। रैक पॉइंट अभी भी कोई भी चीज रैक पॉइंट में कहाँ आ रही है, अपने यहाँ आ रही है, आ नहीं रही, पर जा तो यहाँ से रही। इसका मतलब ये हुआ अनलोडिंग की यहाँ कार्य प्रणाली चालू नहीं हुई। देखिए यहाँ भी नहीं हुई है, वहाँ भी नहीं हुई, मतलब सिवनी जिले में जो बने तो इसको कहीं ना कहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद हैं, बालाघाट और मंडला दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के सांसदों का फेलियर हम मान लें। फेलियर नहीं, उन लगातार प्रयास कर रहे हैं हमारे सांसद, दो साल से उनकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, ठाकुर साहब 2 साल से यहाँ पर रैक पॉइंट तैयार बना हुआ है। अगर किसी रैक पॉइंट से सामान जा रहा है तो आने में क्या समस्या है? आने में दिक्कत ये है कि वहाँ रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। अभी जो सामान जा रहा है, जो हमने लगातार ही कवर किया है रेलवे को, तो जो सामान जा रहा है वो भी वहाँ खुले में ही रखा जाता है, तो जा रहा है ठेकेदार, अगर खुले में रख रहा है ठेकेदार कहा जाए या उसको नागरिक आपूर्ति निगम जो सरकारी विभाग है वो भी खुले में रख रहा है, तो आते समय खाद को रखने में कोई समस्या शायद नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये इसलिए आएगी खरे साहब कि समय जो माल आएगा उसकी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी, यदि खराब होता है तो, और रेलवे प्रशासन ये रिस्क नहीं उठाना चाहिए। हमने यही ये बात DRM से भी कही थी कि रेलवे सिर्फ कमाने के लिए है, लगभग यहाँ से 15 से 20 करोड़ रुपए रेलवे को सिर्फ किराया मिल चुका है,
किराया मिल चुका है जो यहाँ से रैक जाती है उसका, तो आरपीएफ यहाँ पर लगाई जा सकती है। रेलवे रिस्क अगर नहीं ले रहा है तो सांसद हमने क्यों चुना है, सिवनी की जनता ने सांसद क्यों चुना है? इसलिए चुना है कि सिवनी की जनता की हित लोकसभा में रखे, अधिकारियों से बात करे, सांसद के साथ पूरा बालाघाट और सिवनी जिले का जनादेश है। पर मंडला भी है अपना, मंडला के सांसद, मंडला सांसद भी है ना जी, मंडला सांसद तो केंद्र में मंत्री हैं। उसके बाद अगर दो साल से रैक पॉइंट चालू नहीं हो पाया, खैर ये तो विधानसभा का मुद्दा शायद नहीं होगा, विधानसभा का जो मुद्दा होगा, सिवनी में स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर चुकी है। ठीक कह रहे हैं आप, अभी स्वास्थ्य सुविधा के मामले में जो सरकार ने फोकस किया है अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज की बनने की गति भले कम है, लेकिन ये विश्वास है कि वो बन जाएगा और यहाँ पे सारी मेडिकल सुविधाएं हमको। मेडिकल कॉलेज की आपने बात करी, हम आपको याद दिला दें, चूंकि आप सिवनी में ही आपका समय बीता है, सिवनी में एक आईटीआई हुआ करता था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, शुरुआत में वो कहाँ लगता था आपको याद है? यहीं लगता था, एसपी बंगले के सामने किराए के भवन। सालों बाद उसको अपना भवन मिला। डिग्री कॉलेज पहले लगता था भूत बंगले में, भूत बंगले, बाद में उसको अपना भवन मिला। केंद्रीय विद्यालय पहले किराए के भवन में लगता था, बाद में उसको अपना भवन मिला। सिवनी में ट्रामा केयर यूनिट बाईपास पे बनना था, 2010 में बन के लोकार्पित हो जाना चाहिए था, आज 13 साल बाद नहीं हो पाया। सिवनी का ट्रामा केयर यूनिट जो बनना था एनएचएआई का बाईपास पे, ट्रामा केयर यूनिट का मतलब ये होता कि आपकी अतड़ियाँ भी अगर रप्चर हो गई हैं, अगर वो उसका कीमा बन चुका है तो भी आपको जिंदा रखा जाएगा, पर वहाँ नहीं बन पाया। ट्रामा केयर यूनिट की बिल्डिंग 2013 में जिला चिकित्सालय में चालू हुई, आज तक बन गई, आज तक सुविधाएं नहीं। हम मूल मुद्दे पे आ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, मेडिकल कॉलेज अभी चालू नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल की अनुमति की आवश्यकता होती, जहां अभी तक कोई लिखा पढ़ी आरंभ नहीं की गई है। तो आप जो स्वास्थ्य सुविधाएं की बात कर रहे हैं, दूसरे जिलों से जो चिकित्सक आते हैं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत उन्हें अपने यहाँ पंजीयन कराना होता है, उन्हें बताना होता है कि वे कहाँ बैठ कर देखेंगे। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक हर साल एक शपथ पत्र देते हैं, वे अपने घर के अलावा कहीं और प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इन सब का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद अगर आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में लोगों को सुविधाएं मिल रही, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि SNCU बच्चों का ICU जो है उसमें रात को चिकित्सक नहीं रहते, कलेक्टर खुद उसकी देखने जाते हैं, कलेक्टर को नहीं मिलते, तब ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें तो ये मानते हैं अपन कि हमारे जनप्रतिनिधि का ध्यान उस तरफ हम लोगों ने आकर्षित करवाया है, लेकिन हो सकता है कि उनकी सरकार से बात करने के बाद उनको ये सुविधाएं मिलने में थोड़ी देरी। इन सारी चीजों में सरकार से बात करने की शायद आवश्यकता इसलिए नहीं है, चिकित्सक जिला चिकित्सालय में है, उनकी ड्यूटी यहाँ पर सिविल सर्जन के द्वारा लगाई। क्या सिविल सर्जन पर एक विधायक या सांसद स्वयं डॉक्टर है? सिवनी चूंकि लोकसभा बालाघाट का हिस्सा है, सांसद स्वयं डॉक्टर है, इसके पहले कलेक्टर स्वयं डॉक्टर थे, उसके बाद जिला चिकित्सालय अगर इतनी लचर स्थिति में है तो कहीं ना कहीं इसे सांसद या विधायक या भाजपा का फेलियर आप मान सकते हैं? ये मानते हैं कि हमारे प्रशासन पर नियंत्रण की कमी है, प्रशासन पर नियंत्रण की कमी है। बहुत अच्छी आपने बात कही। दूसरी चीज, नियंत्रण यदि बराबर होता तो ये जो हमको अड़चने महसूस हो रही है नहीं होती। दूसरी चीज, अगर हम नगरपालिका की बात करें, कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं, मॉडल रोड आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उस मॉडल रोड पर फिर से पैसा आ गया है डामरीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए, अभी अतिक्रमण हटा नहीं है और फिर से उसको वो कर दिया गया है। 10 साल हो गए मॉडल रोड अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, 2013 में उसे पूरा हो जाना चाहिए था। मॉडल रोड पर जो सिग्नल्स लगे हैं वो सिग्नल 2013 से आज तक चालू नहीं हो पाए हैं, और वो सिग्नल धीरे धीरे गायब भी हो चुके हैं। सर्किट हाउस चौराहे आप जाएंगे, एक भी सिग्नल वहाँ नहीं मिलेगा आपको, उसे चोरों के द्वारा गायब कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप तीसरी चीज देखें, जलावर्धन योजना में 6 मीटर पानी अर्थात 3 मंजिल तक पानी चढ़ना था, पानी नहीं चढ़ पा रहा। जलावर्धन योजना ठेकेदार कंप्लीट करके जा चुका है, फिर 48 करोड़ रुपए और नई जलावर्धन योजना के लिए आ गए। इसके अलावा सिवनी शहर में जो आवास बनने थे प्रधानमंत्री आवास, उसे सिवनी शहर के
फिल्टर प्लांट के आसपास बनने थे। सिवनी शहर के मतदाताओं को कंडी पार गाँव में ले जाकर बसाया जा रहा है, पर इसमें चूंकि सरकार आपकी है, विधायक आपके, सांसद आपके, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सारी व्यवस्थाएं जो हो रही है सरकार कर रही है, और सरकारी अमले कलेक्टर के माध्यम से पूरा क्रियान्वित करवाना चाहती है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों का लगातार ध्यान होना चाहिए और ध्यान आकर्षण करवाना चाहिए। यदि हमारे संगठन और जनप्रतिनिधि इसमें गंभीरता से लेकर किसी बात को तय कर लें तो जरूर होगा। ऐसा मुझे लगता है कि उनका या तो उनकी जानकारी में नहीं होगा या उनका ध्यान इस तरफ है नहीं। अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो ये वे जनप्रतिनिधि कहलाने के शायद लायक नहीं है, अगर जानकारी में नहीं है, क्योंकि अखबार चीख चीख कर कह रहा है, सोशल मीडिया चीख चीख कर कह रहा है, उसके बाद भी अगर पता ना लगे। इसके अलावा एक और जो अभी बात आ रही है, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बन रही है, सिवनी शहर के लोगों के लिए बन रही है। अगर इस कलेक्ट्रेट बिल्डिंग को बनाने के पहले सिवनी के नागरिकों से सलाह मशवरा कर दिया जाता और यू शेप में बना दी जाती, वही फॉरेस्ट का ऑफिस एक विंग में लगता, वही पीडब्ल्यूडी का ऑफिस एक विंग में लगता, एक विंग में आपका इरीगेशन लगता, सारे के सारे कार्यालय जिला पंचायत हो या कोई जनपद पंचायत, सब एक छत के नीचे आ जाते। कोर्ट के लिए जहां तक बात है, जो ये सरकारी जमीनें बेची जा रही हैं, अभी डीजे बंगले से लेकर आगे तक जो पता लगा है बिक चुका है, एलआईसी के सामने वाली कॉलोनी बिक चुकी है, बस स्टैंड के कुछ बंगले बिक चुके हैं पुनर्घनत्वीकरण के योजना के तहत, उसकी बजाय इन जगहों पर अन्य शासकीय आवास बनाए जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी उदासीन हैं, ऐसा जनता का मानना। ऐसा लगता है कि सरकार के पास फंड जुटाने के लिए इंतजाम किया गया है उनको, ताकि जो अनुपयोगी हमारे पास जमीन पड़ी है उसको विक्रय करके। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं, इसके बाजू में सिविल सर्जन बंगला था जो सीएमएचओ रहा करते थे, उसे भी बेच दिया गया है। ये अनुपयोगी मानेंगे या ये बेशकीमती जमीन मानेंगे? जमीन तो बेशकीमती है, और उनको बेचा होगा तो उनने अपने अच्छी कीमत में बेचा होगा। इस तरह से अगर धन जुटाना है, इसका मतलब यही जो आम आदमी कहता है कि जनता को मुफ्त में देने की बजाय जनता को रोजगार दिया जाए। रोजगार की अगर हम बात करें, हम रोजगार के बारे में आपको अगर आपसे जानना चाहें, सिवनी का एक औद्योगिक क्षेत्र बारापत्र में है, आप वहां जाकर अगर कहेंगे उद्योग लगाना तो जगह रिक्त नहीं है और खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। 1000 हेक्टेयर का भोरकल खापा में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, वहां सिर्फ 22 उद्योग 15-20 सालों में चालू हो पाए हैं। रोजगार देने की बजाय अगर हम सब निशुल्क देंगे तो हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं या उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं? निशुल्क तो नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसमें रॉयल्टी लगाना चाहिए। निशुल्क देना नहीं चाहिए, दे रहे हैं तो गलत। रोजगार के लिए हमारे आपके और लोग क्या है, जो ऐसे लोग हैं जो जमीन को अपने कब्जे में करके अन्य काम करने लगते हैं, उन पे नजर रखना चाहिए। जबकि नियम यह है कि अगर आप लघु उद्योग लगा रहे हैं तो आप 2 साल में उस यूनिट चालू कर लें और बड़ा उद्योग है तो 3 साल में, पर यहाँ तो 15 साल हो गए किसी को देखने की फुर्सत नहीं और कोणियों के दाम वो जमीन। मैं आपसे सहमत हूँ कि इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है, इनको सूर ध्यान देना चाहिए और संगठन को भी ध्यान देना चाहिए, हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। आपने ध्यान आकर्षित करवाया है, मैं जरूर सब लोगों से बात करूंगा। अब चारों विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी किस तरह का होना चाहिए, सिवनी विधानसभा में किस तरह का होना चाहिए? देखो, जहां तक प्रत्याशी का सवाल है तो जनहितैषी काम को, जनता के काम को प्राथमिकता के आधार पर करने वाला होना चाहिए, और जो कमी है हमारे शहर में, जनता की सुविधा में जो कमी हो रही है, उस कमी को पूरा करने का उनका लगातार प्रयास होना चाहिए। तो सिवनी की मुख्य समस्याएं या जिन चीजों पे ध्यान जाना चाहिए वो आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि ध्यान हमको दिलाना चाहिए, इनके पास इतने काम हैं। नहीं, आप क्या मानते हैं, अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाए सिवनी से तो आप क्या मानते हैं कि क्या आपकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितनी भी कमी है आप गिना रहे हैं, उन कमी को पूरा करने के लिए सतत प्रयास और फलीभूत करने का। हम आपसे अगर ये कहा जाए कि आप बरघाट में किसी प्रत्याशी के रूप में किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी तो जनता का काम करने वाला होना चाहिए, जो योजनाएं हमारी सरकार की आ रही हैं वो सही से क्रियान्वित हो, और जो जहां अभावग्रस्त क्षेत्र हैं
जिस मामले में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सबको ध्यान में रखते हुए जो जनता है उनसे राय लेकर के काम करना चाहिए। क्योंकि सब काम तो एक साथ नहीं हो सकते, प्राथमिकता तय करना चाहिए कि भाई एक काम पहले करना चाहिए, बाद में ये करना चाहिए। इस तरह से अगर पार्टी आपको केवलारी से उम्मीदवार बनाती तो किस तरीके की आपकी प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकता यही होगी जो जनता अभी तक जिस बात की कमी महसूस कर रही है उसको पूरा करने की जवाबदारी मेरी रहेगी। और आप क्या मानते हैं कि आने वाले विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनाव में सिवनी जिले की 4 विधानसभाओं में से कितनी जगह आप विजय हासिल करेंगे? देखो, यदि हम लोगों का जो मानना है कि इस समय जो प्रत्याशी का चयन हो रहा हमारे प्रदेश और केंद्र नेतृत्व के द्वारा, वो सर्वे के आधार पर हो रहा कि सबसे ज़्यादा जनता किसको चाह रही, और जो सर्वे हो रहा है वो नीचे स्तर तक में जा रहा है, और इस सर्वे के आधार पर हमारे प्रत्याशी चयन हुए तो हम चारों सीट जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुछ इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि जो जिला स्तर पर राजस्व विभाग हो, पुलिस हो, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग हो, या कोई भी विभाग हो, बिना पैसे दिए किसी के काम नहीं हो रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार के प्रति दिख रहा है। वो ऐसा हमारा नियंत्रण कम है, जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण कम है, ये महसूस करता हूं। मुझे याद पड़ता है जब आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, किसी मामले में नीतिगत मामले में कहीं आप प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने उस समय आपकी बात को शायद तवज्जो नहीं दी थी, तो आप कार्यक्रम छोड़ के ही वापस आ गए थे। हमारी लड़ाई जनता के लिए है, कार्यकर्ताओं के लिए है, तो हम यदि हमारा अपमान भी होता है, हमारा पदच्युत भी होता है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, हम तो जनता के लिए लड़के काम करेंगे। ये बात आपके पीठ के पीछे भी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए तो वेद सिंह ठाकुर जैसे कलेजे वाला होना चाहिए, जिस आदमी को अपने खुद की पद की परवाह नहीं थी, उसे पार्टी की सबसे ज्यादा परवाह थी, कार्यकर्ता के सम्मान की सबसे ज्यादा परवाह थी। ये बात बिल्कुल सच है, लोग आपके पीठ पीछे भी ये बात कहते हैं। उसमें कहीं आप आज के नेतृत्व में पर्टिकुलर हम किसी का नाम ना लें, पर आप इसको कमी कहीं महसूस करते हैं? वो ऐसा लगता है मेरे को अनुभव की कमी है, या तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम सामने वाले के कहने से करेंगे तो हमको कुछ लाभ होने वाला है, इन सब बातों को छोड़कर। क्योंकि हम जो जब पार्टी हमने बनाया, इस पार्टी का काम करना शुरू किया, तो हमने जीवन में नहीं सोचा था, अपने सपने में नहीं सोचा था कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, और सत्ता में आई, मैं लगता हूँ उसी सारे लोगों के मेहनत के कारण से सत्ता में आई है। और आज जो परिदृश्य है कि हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय नहीं है, तो उनको सक्रिय करने के लिए मैं आपको बता दूं मेरे को जिला संयोजक बनाया गया है कि ताकि कार्यकर्ता जो पुराने, जिनके कारण से हमारी पार्टी उस मुकाम तक पहुंची है, उसमें कमी ना रहे, उनको सबको हम साथ लेकर चले, नए हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको भी, तो निश्चित बात का हमको विजय। अगर ऐसा पार्टी के द्वारा किया गया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये माना गया होगा कि पुराने लोग नई पीढ़ी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। मैंने बताया आपको कि नई पीढ़ी को सत्ता दिखी, उनने कभी संघर्ष नहीं देखा, तो उनको ऐसा लगता होगा कि ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चलता होगा, तो उनको जो पुराने लोग हैं वो जब उनका मार्गदर्शन मिलेगा, अनुभव मिलेगा, तो सुधार होगा। आप थे वेद सिंह ठाकुर जी, जिन्हें पुराने नेताओं को, नए नेताओं को एक छत के नीचे लाके एक सूत्र में पिरोने की जवाबदेही, बहुत महती जवाबदेही दी गई है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी, आप तब से ईंट उठाकर इस भाजपा के महल को तैयार करने में एक छोटे से श्रमिक की भूमिका में थे, और आज आप जिला संयोजक होने के बाद भी उसी छोटे से, आपने जिस बेबाकी से बात करी, उसी छोटे से श्रमिक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो पितृपुरुषों के सपने हैं, उन सपनों को साकार करना चाह रहे हैं। आपकी तमन्ना आज तक कभी ये नहीं रही कि इन्हें टिकट दिया जाए। पार्टी अगर उचित समझती है, जिस भी विधानसभा से उचित समझती है, जैसा इनके बारे में कहा जाता है, ये सहर्ष उतरकर जमीनी स्तर पर संघर्ष को तैयार होंगे, जो इसके पहले भी लोगों ने अनुभव किया। आप जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, तब भी आपने जो मिसाल कायम की है, वे आज भी अनुकरणीय बनी हुई हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमिटेड की लालटेन के 573वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, क्योंकि अब आपकी गिनती बहुत वरिष्ठतम नेताओं में होने लगी है। आपके समकक्ष कुछ ही नेता अभी बचे होंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमिटेड की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। 7:00 बजे इसका प्रसारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमिटेड की लालटेन के 574वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।